ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर कुछ नहीं है, जस्ट वाटर. और वो वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइस की फॉर्म में, वाटर की यानी कि लिक्विड की, या तो फिर वाटर वेपर की. तो वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. 71% वाटर कवर करता है अर्थ को एंड रेस्ट 29% है लैंड अर्थ पे. तो चलिए इस बारे में और डिटेल में जानते हैं. मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन ओशन एंड विच इज़ वेरी सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़. यानी कि 97% से ज़्यादा पानी जो है ओशन में है और वो बहुत खारा है. वो ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है, मतलब यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो बहुत खारा पानी है. काफ़ी सारा पोशन जो है वो जमा हुआ है आइस शीट और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है जिसे ग्लेशियर कहते हैं, या फिर वो अंडर वाटर है, सॉरी अंडरग्राउंड है. काफ़ी स्मॉल परसेंटेज पानी अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर जो कि इंसान यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं. तो वो काफ़ी स्मॉल परसेंटेज है और इसीलिए कहते हैं हमेशा कि पानी बचाना चाहिए, सेव वाटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओशंस, क्योंकि हम हाइड्रोस्फीयर टॉपिक कर रहे हैं, वाटर से रिलेटेड है, तो हम ओशन कवर करेंगे. तो वी हैव फाइव मेजर ओशन: पैसिफिक, एटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन एंड लास्ट सदर्न ओशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में. पैसिफिक ओशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन है, यानी कि पांचों ओशन में से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है. ये रहा पैसिफिक ओशन. एंड ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के आसपास है. उन मतलब ये सारे जो कंटिनेंट है ये इस पे लोकेट करते हैं पैसिफिक ओशन. अब हम बात करेंगे एटलांटिक ओशन के बारे में. एटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है. पहला जो फर्स्ट लार्जेस्ट था जैसे मैंने आपको बताया पैसिफिक है, सेकंड है एटलांटिक ओशन. और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो शेप है वो एस करके बन रही है एटलांटिक ओशन की. इसके वेस्ट साइड पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ईस्ट साइड पे है यूरोप एंड अफ्रीका. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन ओशन. इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा हुआ है, जैसे कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके नाम पे रखा हुआ है. और जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, इसके वेस्ट पे अफ्रीका है और इसके ईस्ट पे ऑस्ट्रेलिया है. अब हम बात करेंगे सदर्न ओशन के बारे में. तो सदर्न ओशन नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल साउथ में है, अंटार्कटिका कंटिनेंट के पास पड़ता है, और पांचों ओशन में से सबसे लास्ट में ये ओशन डिस्कवर किया गया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्कटिक ओशन. तो आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल पे पड़ते हैं और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. जब यूरोप और एशिया को साथ में बोला जाता है तो यूरेशिया बोला जाता है. तो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट आर्कटिक ओशन पे लोकेटेड है. अभी तक हमने हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर के बारे में बात की, अब हम एटमोस्फेयर के बारे में बात करेंगे. जो अर्थ है वो सराउंडेड है बाय द लेयर. लेयर मतलब परत ऑफ गैसेस, यानी कि अर्थ जो है वो उसके आसपास परत है गैस की और उसे ही एटमोस्फेयर कहते हैं. 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है. बाकी का जो 1% है वो जितनी बची गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब कंप्राइज करती हैं. नाइट्रोजन हेल्प करता है ग्रोथ की, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन. और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन सिस्टम में हेल्प करता है. अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर के बारे में. एटमोसफेयर फाइव लेयर्स में डिवाइड है जो कि कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो डिवाइड है. सबसे पहले है ट्रोपोसफेयर, स्ट्रेटोसफेयर, मेजोसफेयर, थर्मोसफेयर एंड लास्ट एग्जोसफेयर. मैं फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले है ट्रोपोसफेयर, स्ट्रेटोसफेयर, मेजोसफेयर, थर्मोसफेयर एंड लास्ट एग्जोसफेयर. और अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है बायोस्फेयर. बायोस्फेयर एक कॉन्टैक्ट है बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, यानी कि लैंड, एयर एंड वाटर के बीच में.
और मैं आशा करती हूँ मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।